हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धारुनिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे से कमेंट्स आ रही थी कि यार एक वायरलेस मोबाइल चार्जर बना के दिखाया जाए। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वायरलेस चार्जर आप घर पे बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो। फ्रेंड, नहीं बना सकते हो क्यों नहीं बना सकते हो, या फिर वो अगर बन जाता है तो किस टाइप से वो वर्क करता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कॉपर वायर लूँगा सबसे पहले, और इसमें जो कॉपर वायर फ्रेंड्स आपको मोटर वाइंडिंग की शॉप पर आराम से मिल जाएगा, और 3200 का मैं कॉपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसकी रेट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 600 रुपये किलो का मिलेगा, लेकिन आपको 1 किलो नहीं लेके आना है, आपको 10 या 20 रुपये का वायर में आपका पूरा काम हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक डीओ कैन ले रहा हूँ, देख सकते हो। गोल आपको कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है जिसपे आप यहाँ पर जो सर्किल बना सको, जो हमारी कोयलिंग है वो बना सको। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट लूँगा मैं, और लगभग यहाँ पर 30 टर्न आपको लेने हैं राउंड राउंड में। तो यहाँ पर मैं इसमें 30 टर्न ले लेता हूँ फटाफट से, जैसे देख सकते हो आप, काफ़ी सिंपल है फ्रेंड्स, आप घर पर बना सकते हो, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि ये अच्छे से वर्क करेगा बाद में या फिर नहीं करेगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो 30 टर्न लेने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें हम एक लूप बना देंगे इस टाइप का, आपको यहाँ पर वायर कट नहीं करना, बस एक लूप बनाना है, ठीक है, थोड़ा लंबा वाला, ताकि इसमें हम वायरिंग कर सके बाद में। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको वापस से यहाँ पर 30 टर्न वापस लेने हैं। तो फ्रेंड्स, 30 और 30 से हमारे 60 टर्न हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन आपको बीच में एक लूप भी बनाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर जो कोयल बनी है, इसको हम वापस बाहर निकाल लेंगे डीओ कैन के ऊपर से, ताकि हम इसमें टेप लगा सके। तो इस पर टेप लगाकर इसको अच्छे से बांध दीजिए आप यहाँ पर, ताकि हमारी जो कोयलिंग है वो बिखरे नहीं उधर उधर और उलझे नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से 3 या 4 जगह पर आपको टेप लगानी फ्रेंड्स यहाँ पर, और इसको पैक करना है। आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो इसको चिपकाने के लिए, तो आप टेप का भी यूज़ कर सकते हो, आपको जो आपको मिल जाता है उसका आप यूज़ कर सकते हो और इसको चिपका सकते हो इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, वापस से आपको डीओ कैन लेनी है, और एक और आपको कोयल बनानी है यहाँ पर। तो इस टाइप से वापस हम यहाँ पर कोयल बनाना स्टार्ट करेंगे, और आपको यहाँ पर 40 टर्न लेने। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है इसमें कोई आपको बीच में लूप नहीं बनाना, डायरेक्ट ही इसमें 40 टर्न लेने आपको, और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट 2 पॉइंट बनेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो, हमारे 2 कोयल बन चुकी है इसके अंदर, एक में 3 पॉइंट बने, एक में 2 पॉइंट बने, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लेना है, और ट्रांजिस्टर का नंबर है IRFZ44N, देख सकते हो आप। तो इस टाइप का आपको ट्रांजिस्टर लेना है। इसके बाद एक हीट सिंक ले रहा हूँ फ्रेंड्स, और इसको मैं यहाँ पर कसूंगा। तो हीट सिंक का काम फ्रेंड्स ये होता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर वर्क करता है तो ये हीट हो जाता है इसको ठंडा रखने का। वो फ्रेंड्स इसी सर्किट में नहीं, किसी और सर्किट में भी अगर आप चलाते हो तो आपको हीट सिंक लगाना चाहिए इसके साथ, ताकि आपका ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं MDF बोर्ड लूँगा, और उसके बाद जो हमारी कोयलिंग है उसको इस टाइप से चिपकाना है। तो आप ग्लू गन के द्वारा भी चिपका सकते हो, या फिर फेविक्विक के द्वारा भी इसको चिपका सकते हो। और फ्रेंड्स, MDF बोर्ड नहीं मिलता है आपको तो कोई कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो आप। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको इस टाइप से हम यहाँ पर चिपका देंगे MDF बोर्ड पर। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो हमारी इसके प्राइमरी कोयलिंग जो थी हमारी, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट दिखेंगे, जिसके बीच में एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट, और एक जो हमने लूप बनाया था बीच वाला वो वाला। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट और जो लास्ट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, वो हमारे ट्रांजिस्टर की पहली और दूसरी वाली लेग में हमें कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पर इसकी जो ऊपर की इंसुलेशन है उसको छीलना होगा, वरना आपका ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर सोल्डरिंग से पहले इसके ऊपर 2-3 आंटी लगा देंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारे अच्छे से सोल्डरिंग हो जाएगी इसके ऊपर। तो देख सकते हो, मैंने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ट्रांजिस्टर की पहली और दूसरी वाली लेग में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, और अब यहाँ पर इसको हम सोल्डरिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो आपको लगभग 15 से 20 रुपये में एक मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। इसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक बैंड स्विच लगाने वाला हूँ इसमें, इसे ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये आपको 10 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड, इसको भी यहाँ पर हम MDF बोर्ड पर चिपका लेंगे, ताकि हम इसे ऑन ऑफ कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसको चिपका देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड, जो हमारी बीच में जो हमने लूप बनाया था, जो हमारी प्राइमरी कोयलिंग जो थी उसके अंदर, तो इस कनेक्शन इसमें कर लेंगे हमारा स्विच के अंदर, तो इस टाइप से। और फ्रेंड, इसको यहाँ पर मैं मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करने वाला हूँ, इससे सप्लाई देने वाला हूँ। तो मैंने क्या करा फ्रेंड्स, एक जो मोबाइल चार्जर की USB जो होती है उसको मैंने लिया और बीच में से कट कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड, इसको यहाँ पर छील लिया है मैंने। छीलने के बाद इसमें से 4 वायर निकलेंगे फ्रेंड्स आपको सामने। तो आपको क्या करना, रेड और जो ब्लैक वायर होता है उसको लेना है, और ग्रीन और वाइट वाला जो वायर इसको कट करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये डाटा सप्लाई के लिए यूज़ में होते हैं। तो जो ब्लैक वाला वायर फ्रेंड्स आपको ट्रांजिस्टर की 3rd वाली लेग में कनेक्ट करना है, और जो रेड वाला वायर है वो आपको स्विच में कनेक्ट करना है इस टाइप से।
तो देख सकते हो, तो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स इसको कनेक्शन वनेक्शन मैंने आपको पूरा इजीली दिखा दिया है यहाँ पर। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा जो वायर है इसको हम यहाँ MDF बोर्ड पे चिपका लेंगे ताकि इसको खींचने पर ये हमारा टूट ना जाए, सोल्डरिंग निकल ना जाए इसके लिए। इसके बाद फ्रेंड हमारी जो दूसरी वाली कोयलिंग है उसको लेंगे और इसमें यहाँ पर मैं एक LED बल्ब कनेक्ट करूँगा ताकि आपको यहाँ पर दिखा सकूँ कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो इसको यहाँ पर चेक करने के लिए हम LED बल्ब के द्वारा आपको दिखाने वाला हूँ मैं। तो इसके दो पॉइंट है फ्रेंड्स, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक लास्ट वाला पॉइंट, दो वायर है तो दोनों को हम LED बल्ब पे कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। और इसके बाद फ्रेंड्स इस पर सोल्डरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पे मैं सोल्डरिंग कर लूँगा फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। तो ये हमने सोल्डरिंग भी कर ली इसके अंदर। अब फ्रेंड्स इसको यहाँ पर चला के देखेंगे हम कि ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और फ्रेंड्स अगर ये वर्क करता है तो इसमें हम यहाँ पर हमारा मोबाइल चार्जर भी बना के दिखाने वाला हूँ इससे, अगर वर्क करेगा तो, और नहीं करेगा तो फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि क्यों वर्क नहीं कर रहा है और कैसे लोग बाग वीडियो बनाते हैं। तो फिर इसे चलाने के लिए यहाँ पर मैं पावर बैंक का यूज़ करूँगा, इसमें भी हमारे 5 वोल्ट ही देता है जिसको हमारा चार्जर देता है उस टाइप से। तो इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो आप। और मुझे कमेंट्स आई थी फ्रेंड्स कि इसको चार्ज कैसे किया जाए, तो फ्रेंड्स इसमें बीच में आप देख सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से इसे चार्ज कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकता है, उसमें डिस्प्ले भी लगी हुई है जो आपकी बैटरी के परसेंटेज दिखाएगा कितना परसेंट चार्ज है कितना परसेंट डिस्चार्ज है। तो यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है फ्रेंड्स, और अभी ये चालू नहीं होगा फ्रेंड्स क्योंकि मैंने इसका स्विच ऑन नहीं किया इसलिए। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो देख सकते हो इसमें कोई अदर वायर नहीं आ रहा है कहीं साइड से, सारी सप्लाई यहीं से आ रही है। तो मैंने स्विच चालू कर दिया है और इसके बाद जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग के पास में सेकेंडरी वायरिंग लेके जाता हूँ तो हमारी जो LED फ्रेंड्स वो चलना चालू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रियली में वर्क करता है देख सकते हो आप, और आप इससे मोबाइल चार्जर बना सकते हो या फिर नहीं बना सकते हो तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे वीडियो देखिए आप लास्ट तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वर्क तो कर रहा है लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है कि हमारा ज़्यादा वोल्टेज निकाल सके, देख सकते हो आप। LED जो है फ्रेंड्स इतना ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है हमारी। और फ्रेंड्स यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मैंने लाइट बल्ब चालू कर रखे आसपास, तो उनको मैं बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है कितना कम ग्लो कर रही है सारा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो लाइट बंद कर दी है, इसके बाद मैं आपको LED बल्ब चला के दिखा रहा हूँ इसके पास में ले जाकर। तो फ्रेंड्स ये वर्क तो कर रहा है लेकिन इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है कि आपका मोबाइल है उसे चार्ज कर सके। आपका मोबाइल को लगभग 5 वोल्ट चार्ज होने के लिए चाहिए होता है लेकिन ये इतना वोल्टेज नहीं निकाल रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जैसे देखा आपने भी यहाँ जो हमने ये बनाया सर्किट पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है लेकिन फ्रेंड्स ये इतना अच्छा ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है कि आपका मोबाइल को चार्ज कर सके। यहाँ पर जो आपका मोबाइल होता है फ्रेंड्स उसको लगभग 5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज चाहिए होता है, सभी का अलग अलग होता है लेकिन 5 वोल्ट के आसपास सभी मोबाइल चार्ज होते हैं। और फ्रेंड्स ये इतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं निकाल रहा है लेकिन फ्रेंड्स इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के बाद ये भी 5 वोल्ट निकाल देगा। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ तक हो सके आप इसका यूज़ मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है आपका मोबाइल जो होता है उसका जो चार्जर आता है उसके कंपनी के साथ में आपने देखा होगा, उसको खोलकर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे डायोड लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगी होती है, IC भी लगी होती है उसके अंदर बहुत सारी। तो फ्रेंड्स वो क्या करती है आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करती है, आपकी जो बैटरी होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और उसके हिसाब से ही वोल्टेज निकालती है, कम ज़्यादा करती रहती है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसका यूज़ करोगे तो डायरेक्ट 5 वोल्ट ये आपका मोबाइल को देगा और जिससे आपकी जो मोबाइल वो ख़राब भी हो सकता है या फिर आपकी जो बैटरी होती है उसकी जो लाइफ उसको कम। तो फ्रेंड इसका आप यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि फ्रेंड्स अगर आपका कोई स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट होता है तो वहाँ पर आप इसको दिखा सकते हो फ्रेंड, और इसमें आप दिखा सकते हो स्कूल में ले जाकर फ्रेंड्स की वायरलेस जो पावर सप्लाई होती है किस टाइप से वर्क करती है, किस टाइप से उसको बनाया जाता है, छोटा वाला प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो आप इसके रूप में भी ले जा सकते हो, आपका जो टाइम फ्रेंड्स वो अभी आपने देखा वीडियो तो उसका आप टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका पूरा, आपको जो मैं वीडियो बनाता हूँ सारी रियल वीडियो बनाता हूँ और आपके यूजेबल बनाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो मोबाइल चार्जर वो नहीं बन पाया तो ये वेस्टेज जाएगा, इसका मैं वेस्टेज नहीं जाने दूंगा आपका टाइम, आप इसका जो प्रोजेक्ट के रूप में भी बना सकते हो इसको, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है और फ्रेंड्स मैं आपसे बोलूँगा कि आप मोबाइल चार्जर के रूप में इसको बिल्कुल भी यूज़ मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत बाय एवरीबॉडी।